नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज़ के इस वीडियो में। और एट प्रेजेंट मैं हूँ शहडोल मेडिकल कॉलेज में। ये देखे पीछे पूरा एंट्रेंस वगैरह है, और जैसे ही एंट्री किया हूँ मैं, मुझे कुछ ऐसा दिखा जो नहीं दिखना चाहिए और बहुत बेकार लग रहा है देख के, बहुत बेकार लग रहा है सोच के कि हमको इतनी अच्छी सुविधा मेडिकल कॉलेज की मिली है और हम उसको अगेन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगेन उसको मींस क्या बोलूँ मैं आपको, दिखाऊंगा कुछ पॉइंट्स मैंने देखे हैं। हालांकि आज गुड फ्राइडे है, थोड़ा भीड़ कंपेरेटिवली कम है, ऑफ है ऑफिशियली, लेकिन फिर भी मैं अपनी बच्ची को लेके आया था और यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा तो मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शायद ये ना हो तो ये जो खूबसूरत सा मेडिकल कॉलेज है उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। चलिए देखते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाना क्यों बहुत ज़रूरी था। ओके, सो ये है मेडिकल कॉलेज की एंट्री और यहाँ से ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक्सरे विभाग वगैरह है और पास में ही मैं देख रहा हूँ ये पान गुटका आप जो भी बोल रहे हैं उसकी पीक। ये डेफिनेटली कोई महानुभाव होंगे जो खा पी के थूके होंगे। एक तो एक गंदी चीज़ खा रहे हैं, गुटका वगैरह जो भी है वो खा रहे हैं, और उसके बाद इनको अपने बाप की दीवार लग रही है। इनके माँ बाप यहाँ पे दीवार बनवाए हैं और इनके माँ बाप यहाँ पे साफ करवा रहे हैं इनकी ऐसी की तैसी। और ये देखिए, ये इतना लंबा लंबा पीक यहाँ पे मारा हुआ है, और जबकि यहाँ पे चेतावनी भी लिखी हुई है, अस्पताल परिसर में पान गुटखा तंबाकू खाकर थूकना, धूम्रपान करते जाना 500 रुपये का जुर्माना है। जुर्माने का भी कोई डर नहीं क्योंकि इनके बाप का मेडिकल कॉलेज है और इनके बाप यहाँ पे काम करते हैं। ये देखिए, ये कोना है, ये जस्ट एंट्री है और यहाँ पे एक्सरे विभाग है, एक्सरे होते हैं। सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि फ्री मिल रहा है मतलब इनके बाप का है, इसीलिए यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं। और ये पॉइंट आप देख सकते हैं, क्या बोलूँ मैं, ये अच्छी खासी एक्सटर्नल दीवार है, पुट्टी की हुई है, उसके बाद प्राइमर होता है, फिर कलर होता है। एक स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग लगभग लगभग 12 से 15 रुपए पड़ती है और उस एरिया का इन्होंने इस तरीके से ऐसी तैसी कर रखा है। ये सिर्फ इस एरिया की बात नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, मैं देखता हूँ अगर आगे होगा तो दिखाऊंगा। लेकिन यस, ये इनके जो भी यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके बाप का मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये हम सब का है। और जिस तरीके से कोविड में हमको इस मेडिकल कॉलेज ने सपोर्ट किया है वो शायद सोचा भी नहीं जा सकता। अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो किस तरीके से कोविड यहां पे मैनेज किया जाता वो शायद कोई नहीं जानता, सोच भी नहीं सकता जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज ने सपोर्ट किया है। इसलिए उन सभी रईस जादों से, लापरवाहों से, नशेड़ियों से, गुटखा खोरों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये यहाँ पे गंदगी ना करें, बिकॉज़ ये अपना ही मेडिकल कॉलेज है, अपना ही हॉस्पिटल है, और अगर जिस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा दिन का ये नहीं रहेगा। यहाँ पे अच्छी खासी सुविधाएं दी जा रही हैं। इवन अभी यहाँ पे खाने की ट्रॉली भी खड़ी थी तो मैंने पूछा खाना पीना भी बटने लगा क्या, बोले हाँ शुरू से बट रहा है। जो भी अटेंडेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उनके लिए सुबह से नाश्ता खाना वगैरह। और यहाँ पे अच्छी खासी डस्टबिन भी रखी हुई है, आप इसमें गंदगी फेंक सकते हो जो भी है, लेकिन दीवारों को ख़राब करना, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है गवर्नमेंट ने, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं बल्कि वेस्ट कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं।
मींस ये अच्छे अच्छे शहरों को नहीं मिलता, ये शहडोल को मिला हुआ है और हम इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं। अभी तो ये पूरी तरीके से अच्छे से यूज में भी नहीं आया है, अच्छे से यहाँ पे भीड़ नहीं आ रही है। आज तो फिर भी ऑफ है, ये देखिए ये यहाँ पे भी हैं पीक के दा, मतलब मारा हुआ है पीक यहाँ पे भी, ये देखिए। ये तो फिर भी शायद पेंट कर दिया गया होगा या धुलाई सफाई में जाता होगा, लेकिन जरा ये सोचें कि सफाई करने वाला आपका और हमारे बीच का ही है, अपने जैसा ही कोई है। ये देखिए ये अंदर की दीवारों का ये हाल है, ये मैं गैलरी में हूँ और अंदर की दीवारों का ये हाल है। भगवान जाने कब दिमाग आएगा लोगों को कि कुछ अच्छा मिला है उसको मेंटेन किया जाए, उसको अच्छे से मैनेज किया जाए। आई डोंट नो कब आएगा दिमाग। सो दोस्तों, जो भी देख रहा है, जो भी जुड़ रहा है इस वीडियो से, अभी मैं आपको बताऊं, ये जस्ट मेन एंट्री है, मेडिकल कॉलेज की मेन एंट्री है। पानी आने की व्यवस्था और मतलब मैं देखा नहीं हूँ, यहाँ पे भी है एक पॉइंट और है वो उस कोने पे, वहाँ पे भी ये पानी रखा हुआ है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे लें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ कर दें कि मरीज़ों को दिक्कत ना हो, लेकिन उस चीज़ को गलत तरीके से ले जाना, गलत तरीके से यूज़ करना, यूज़ ना करना, इवन उसको बर्बाद करना, गंदगी करना, कहीं से कहीं तक क्या बोलूँ मैं, समझदारी नहीं है। समझदारी दिखाएं, कुछ अच्छा मिला है उसको मेंटेन करें। और जो गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खा के थूकते हैं, उनको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग से काम ले, ऐसा ना महसूस हो कि आप दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं।